नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्रेया श्रीवास्तव के चैनल में। आज मैं और नेहल मिलके बात करने वाले हैं इंडिया का डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि 10 साल हो गए जबकि हम लोग मोदी गवर्नमेंट के अंदर में इंडिया को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, एंड और भी आगे हम लोग 5 साल देखेंगे। तो क्या इन 10 सालों में इंडिया डेवलप किया है या फिर डिग्रोथ किया है, इस दोनों के बारे में आज हम लोग देख लेंगे। एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया वॉज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 10th टूडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दो हजार सैतालीस जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। हम लोग सारे सेक्शंस में देख लेंगे, बीट आर्म फोर्स, बीट हेल्थ सेक्शन, बीट इकोनॉमिकली, सब जगह में हम लोग देख लेंगे इंडिया कौन से पोजीशन में है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे इकोनॉमी को लेके, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो इंडिया ने ट्रिमेंडियस अचीवमेंट किया है। कहा हम लोग 11 नंबर पे थे, जो टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं आते थे, वहां से लेकर वी रीच टू टॉप 5। हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, जबकि हम लोगों का जो पॉइंट है वो $5 trillion का पहुंच गया है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अचीवमेंट दैट इंडिया हैव गॉट, दी इंडिया को इतना ज्यादा पॉइंट्स मिल गया एंड वी आर राइट नाउ इन 5th। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इंडिया बहुत ही जल्दी 4th या 3rd के सेशन में पहुंच जाएगा? डेफिनेटली हाई चांसेस है कि इंडिया जरूर से ऊपर जाएगा, एंड मे बी समडे फर्स्ट भी आ सकता है। एंड जबकि हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन सेफ्टी? बिकॉज मैंने बहुत दिन पहले ये चीज रिसर्च किया था, दैट टाइम इंडिया यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज फॉर वुमेन, बट राइट नाउ वी सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट वुमेन सेफ्टी इन इंडिया? वुमेन सेफ्टी पहले जरूर बहुत खराब था, इतना सेफ नहीं था इंडिया वुमेन के लिए, बट 2023 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट में मार्क किया जाता है ये चीज, और इंडिया को मिला है 0.595, जो कि उसका रैंक बना दिया 128 आउट ऑफ 177 कंट्रीज जो कि इस इंडेक्स में रजिस्टर किया गया। तो डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी के लिए। तो जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है अभी? ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। अगर इंजीनियरिंग को देख लो, या फिर मेडिकल कॉलेज को देख लो, या फिर एमबीए कॉलेजेस में देख लो, पहले सिर्फ 48 ईयर्स में हम लोगों के पास 7 AIIMs था, अभी हम लोगों का वो नंबर ग्रो होके 13 हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में। पहले हम लोगों के पास 16 IIT था, अभी वो बढ़ के 23 बन चुका है। पहले हम लोगों के पास सिर्फ 9 IIITS था, अभी वो बढ़ के 25 हो चुका है। पहले हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 13 IIMs था, अभी वो बढ़ के 20 IIMs बन चुका है। मेडिकल कॉलेजेस का भी हम लोग अगर देख ले तो वो पहले 387 था, अभी वो बढ़ के 562 बन चुका है। दैट इज लाइक अ ह्यूज नंबर। सो एजुकेशन सेक्टर में अगर देखें तो इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो किया है। एंड अगर हम लोग छोटे लोगों का भी बात कर लें, तो जो करिकुलम है अभी, तो हम लोगों का मैक्सिमम करिकुलम वोकेशनल नॉलेज की टाइप से है, बट ये चीज डिसाइड किया गया है कि हम लोगों के करिकुलम में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लाया जाएगा, सो दैट इन फ्यूचर हम लोग अब जब कॉलेज से ग्रेजुएट हो तब हम लोगों के पास कुछ स्किल सेट रहे रैदर देन जस्ट वोकेशनल नॉलेज। सो ये तो हम लोगों का एजुकेशन के बारे में हो गया। व्हाट अबाउट रूरल डेवलपमेंट? क्या मोदी गवर्नमेंट ने रूरल डेवलप करने के लिए कुछ चीज किया है? बहुत सारे स्कीम्स निकले हैं इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट से, लेकिन कभी भी कोई स्कीम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक नंबर दे दिया कि 1000 डेज में हम इतने विलेजेस में इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे, और वो नंबर था 18,452, और वो कंप्लीट कर दिया गया विद इन 1000 डेज। पहले इंडिया को बोला जाता था कि उनके जो विलेजेस हैं दे आर इन डार्कनेस, बट अब हम बोल सकते हैं कि इंडिया के विलेजेस फाइनली डार्कनेस से निकल के उजाला में आ गया।
तो डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट ने जरूर एक गार्ड दिया यहाँ पे कि हम डेवलप कर रहे हैं इंडिया को. लेकिन एक चीज में इंडिया फिर भी पीछे थी, अटैक्स. बहुत अटैक्स हो रहे थे इंडिया पे. दैट इज ट्रू. हम लोग का वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक जो था वो था 26/11 का, एंड ताज होटल पे हुआ था, एंड इट वॉज अ वेरी बिग डिजास्टर. वहां पे यू नो टेररिस्ट को पकड़ा भी किया था, बट उनको इतना ज्यादा टाइम दिया गया, इतना ज्यादा यू नो उनके ऊपर टाइम वेस्ट किया गया, दैट्स व्हाट आई विल से, कि इट टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग इयर्स टू यू नो फाइनली कम टू अ डिसीजन व्हेन वी ऑलरेडी न्यू कि यू नो उस अटैक के पीछे कौन था, वो लोग कहाँ से आए थे, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वी हैव. बट करेंटली द सिचुएशन वी आर इन, व्हेनेवर वी आर गेटिंग अटैक और वी हैव सम इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट यू नो इंडिया इज गोइंग टू हैव सम वायलेंट और वायलेंट अटैक, सो वी टेक एक्शन ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द उरी अटैक, वो दैट वॉज यू नो डाउन वेरी स्विफ्टफुली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से बोम किया गया था. हम लोगों को उतना कोई कैजुअलिटीज नहीं हुआ, एंड वो जो मिशन था वो बहुत ही अच्छे तरीके से एंड सक्सेसफुली यू नो पास होके सारे जो हम लोगों के सोल्जर्स है वो इंडिया वापस आ गए, विच वॉज एक्चुअली अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया. सो ये तो हो गया टैक्स के बारे में. अभी इंडिया का डेवलपमेंट तभी होगा जबकि इंडिया का सामान इंडिया से बाहर में जाके बिकेगा एंड इंडिया खुद का सामान खुद खरीदेगा, दैट इज मेक इन इंडिया. सो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में तुम क्या बताना चाहोगे? वॉज इट लाइक सक्सेसफुल? डिड दैट हेल्प इंडिया? एंड हाउ डिड इंडिया डेवलप फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट? मेक इन इंडिया जरूर एक सक्सेस था. स्टार्टिंग में जरूर ऐसा हुआ होगा कि लोगों को समझ में नहीं आया मेक इन इंडिया, बिकॉज दे वर यूज्ड टू यूजिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स. लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि द नंबर्स वर सरप्राइजिंग. 58 मिलियन नॉन कॉर्पोरेट प्रोवाइडेड अबाउट 128 मिलियन जॉब्स, जिसके वजह से 60% रूरल इंडिया को जॉब मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया. तो इसके वजह से जो इंडिया का इकोनॉमी था उसको भी एक बूस्ट मिला. And people started accepting more Make in India, which also increased their export rather than more import. तो इसके वजह से Make in India is now a success. लेकिन आगे बढ़ते हुए जो हम लोग का ट्रैवल होता है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, वी नीड एयरपोर्ट्स. लेकिन इतना हम लोग के पास एयरपोर्ट्स नहीं है कि हम लोग ट्रैवल कर पाए, तो क्या उसमें डेवलपमेंट किया मोदी? Obviously there has been lot of development in airports. And पहले हम लोग के पास नहीं था. लाइक मैं जब छोटी थी बचपन में, दैट टाइम फ्लाइट में जाना वॉज अ वेरी बिग डील बिकॉज ऑफ यू नो लेस नंबर ऑफ फ्लाइट, लेस नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, एंड इट वॉज अ लग्जरी फॉर एनीबॉडी. बट नाउ इट इज, अभी जैसा हो गया, फ्लाइंग इज वो चीज अचीव कर सकते हैं, हम फ्लाइट में जा सकते हैं. एंड एयरपोर्ट का अगर नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर ले कि इंडिया का एयरपोर्ट जो है पहले 140 था, बट वो 2025 तक 220 तक हो जाने वाला है, एंड विच इज लाइक अ वेरी गुड यू नो नंबर विच इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. मीन सारे सिटीज में यू नो बीट स्मॉल बीट बिग वी हैव एयरपोर्ट्स राइट नाउ, जबकि सारे लोग जो है वहां पे जाके यू नो फ्लाइट्स अटेंड कर पाए या फिर फ्लाइट्स चढ़ पाए. एंड द प्राइसेस आर आल्सो यू नो इतना ज्यादा नहीं है कि अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड. So right now, even you know, flying is in the budget of a middle class people, which is a very good thing, I will say, according to you know India, which India has achieved. So airports के साथ साथ अभी हम लोग बात करेंगे you know farmers, जो कि backbone of India माना जाता है, because agriculture जो है हम लोगों का maximum of the GDP में contribute करता है. तो farmers के लिए ऐसा क्या चीज किया है मोदी government में which have helped them according to you? जो हमारे फार्मर्स है वो मोस्टली अभी भी हमारे हाफ ऑफ द रूरल प्रॉपर्टीज को लेके रखे हैं, एंड दे आर आल्सो डेवलपिंग द इकोनॉमी. अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में लोग हैं जो अभी भी फार्मर्स हैं, एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज थ्रू एग्रीकल्चर. सो मोदी गवर्नमेंट ने एक टैगलाइन निकाली थी, मोर क्रॉप मोर जॉब. तो इसमें उन्होंने सब्सिडी उनको प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से उनका जो भी ग्रोथ है वो बढ़ जाए पहले से. तो उनका जो मेन बजट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2015-2016 के टेन्योर में वो था 500 करोड़, और ये बाद में बढ़कर
4,043,000 करोड़ में डेवलप किया गया। 2022-2023 में इतना इसको बढ़ा दिया गया और अभी करंटली 16.19 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम से बेनिफिट किया और ग्रोथ तो मैसिव हुआ है फार्मर्स के लिए। तो जरूर से ये स्कीम एक थम्स अप है हमारी तरफ से। और ट्रैवलिंग, किसे ट्रैवलिंग नहीं पसंद? ट्रैवलिंग के लिए जैसे एशियन हाईवे बहुत चर्चे में है, लेकिन बहुत को नहीं पता कि एशियन हाईवे कितने कंट्रीज में है, क्या है उसमें, तो जानते हैं उसके बारे में कुछ। सो एशियन हाईवे के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एशियन हाईवे का जो नेटवर्क है वो 32 कंट्रीज को जुड़ रहा है एंड वो ये भी अलाउ कर रहा है टू क्रॉस यू नो कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल यूरोप, यू नो आप यूरोप भी पहुंच सकते हैं एशियन हाईवे से, वो जो 32 कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है उसमें से यूरोप का पार्ट भी आ जाता है। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट और ये जब कम्प्लीट हो जाता है दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आप यू नो रस्ते से अपना गाड़ी लेके जस्ट फॉर यू नो बाइक राइड, यू नो जो हम लोग का यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग बाइक लेके कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। सो विद बाइक और विद कार यू कैन इवन रीच यूरोप, यू नो हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हम लोग आई डोंट थिंक सो, जब हम लोग छोटे थे ये सब चीज हम लोग ने सोचा भी होगा कि हम लोग गाड़ी करके यूरोप पहुंचेंगे। So, yeah, that is, that can be possible within few years once this project is done and once this project is completed, because it is going to connect 32 countries and बहुत ही, you know, बहुत ही अच्छा project बनने वाला है। It is, we are very excited for this, especially, you know, our youth and the people who love to travel, जिन लोगों को bike rides करना पसंद है, गाड़ी चलाना पसंद है, उन लोगों के लिए तो ये it's like a dream come true type of a thing. सो इसके साथ साथ हम लोगों को पता है एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि लड़की लोग ये क्या क्या किया है इस इंडिया सेफ फॉर वुमेन। सो देयर वाज अ स्कीम दैट आई नो द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो व्हाट बेनिफिट डिड वुमेन गेट फ्रॉम दैट स्कीम? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक कि इस स्कीम से औरतों लोगों को क्या क्या फायदा हुआ है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो दुर्गा माँ और सारे गॉडेस को बड़े अच्छे से पूजा जाता है, बेटी को माना जाता है भगवान। लेकिन रूरल इंडिया जो कि 90s का टाइम था, उस समय बेटी पैदा होने को बहुत खराब माना जाता था। इनफैक्ट अबॉर्शन किया जाता था जब उन्हें पता लगता कि ये बेटी होने वाली है। तो ये चीज बहुत रॉन्ग है क्योंकि इसके वजह से इंडिया का रेशियो जो वुमेन रेशियो था वो इतना डिक्लाइन हो गया कि उसे 1000 में एक वुमेन को माना जा रहा था, मतलब 1000 केस टू 1 वुमेन, इतना खराब रेशियो। फिर ये स्कीम आई बेटी पर पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया 22 जनवरी 2015 में। इस स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया, अबॉर्शन रिड्यूस किया गया और उन्हें समझाया गया कि वुमेन जो बेटियां होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है आपका फैमिली। अब लोगों को समझ में आता है कि बस एक बेटा से फैमिली कम्प्लीट नहीं होती, एक बेटी भी चाहिए होती है, है ना? That's true. So that is a very big thing because a woman's safety or they be important here because God created both men and women. It's not that case of or to go, you know, ek side pe rakha jaye and to, you know, female jo fe, bola hai ki jahan pe ki bachon ka qatl kar diya jata tha, that is actually a very wrong doing. So that scheme actually helped a lot of rural, you know, places. जहाँ पे की ये चीज डेवलप हुआ है एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड। इसकी वजह से जो हमारा अब रेशियो है वो कुछ ऐसा है, अबाउट 48.04% फॉर फीमेल्स एंड 51.96% फॉर मेल्स। अभी रेशियो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। सो अभी जो इंडिया ऑफेंसिव पावर है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन एवर नाउ। पहले हम लोगों के पास जो नहीं था, जो इक्विपमेंट नहीं था, वो अभी हम लोगों के पास है। सो यस, इंडिया इज रेडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। वी हैव गॉट अग्नि वी व्हिच इज इंडिजिनियसली बिल्ट एंड वो केपेबल है टू कैरी द न्यूक्लियर वॉर हेड। 5000 किलोमीटर का उसका स्ट्राइक पावर है एंड 3-stage सॉलिड फ्यूल है। सो वी हैव गॉट वेपन्स लाइक दैट, एयरक्राफ्ट लाइक दैट, जो कि इंडिया के पास अभी यू नो भरपूर मात्रा में है कि इफ देर इज एनीथिंग एज सच वाई इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ और या फिर इंडिया को मैदान में उतरना पड़े, इंडिया इज रेडी फॉर इट।
सो इसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है ये जो यू नो मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है. बिकॉज 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी तो है बट व्हाट अबाउट अवर जीडीपी, व्हाट्स अबाउट दैट. तो पहले में तो जीडीपी हम सब जानते हैं इतना कोई खास है नहीं. 2014 से मैं आपको बताते हैं 2013-2014 में हमारा जीडीपी था 2.04 लाख करोड़. 2014-2022 में हमारा जीडीपी सीधा स्केल अप किया एंड इट वेंट टू अबाउट 3.42 लाख करोड़ जो कि अबाउट आपका हो गया $5,000 to $7,000. तो अबाउट 14% अभी हमारा करंट जीडीपी इंक्रीज किया गया है एंड इट हैज मैसिवली इंक्रीज नो डाउट. तो जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, फार्मर्स के लिए भी हो गया, बेटी के लिए भी हो गया. व्हाट अबाउट बीपीएल? सो बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, सो इन लोगों के लिए भी एक स्कीम निकला था जो कि यू नो फ्री फूड ग्रेन्स के लेकर निकला था टिल 2029. गरीब कल्याण अन्न योजना जो है विच हैव सर्व्ड मोर देन 80 करोड़ प्लस पीपल. सो यस बीपीएल लोगों को लिए भी यू नो उनको फ्री में खाना देना, फ्री में अनाज देना. बिकॉज वी नो दैट फूड, रहने का जगह और कपड़ा, दीज अ फ्यू थिंग्स विच इज लाइक एसेंशियल ऑफ अ पर्सन्स लाइफ. तो इसके थ्रू में बहुत सारे गरीबों को या फिर बीपीएल लोगों को बहुत सारा हेल्प भी हुआ है. एंड इसके साथ साथ हम लोग अभी ये चीज जानना चाहेंगे कि हम लोग अभी पूरे इंडिया के बारे में तो बात कर रहे हैं एंड सारे सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, भी गरीब लोग हो गया, वुमेन के बारे में हो गया, फार्मर्स लोगों के बारे में हो गया. वी हैव गॉट दैट वन स्टेट दैट इज कश्मीर. वी नो इट लुक्स लाइक हेवन एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बट वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन कश्मीर. सो कश्मीर के लिए पर्टिकुलरली ये जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट ने क्या किया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में बहुत वहां पे टेररिस्ट अटैक होता था, कश्मीरी पंडित को टॉर्चर किया जाता था. तो मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बोल्ड मूव किया, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जिसके वजह से वहां पे टूरिज्म बढ़ गया एंड लास्ट ईयर ही अबाउट 21.1 मिलियन टूरिस्ट वहां पे गए थे घूमने के लिए जिसमें से राहुल गांधी भी एक थे. इसके वजह से कश्मीर का जो इकोनॉमी है वो बहुत ग्रो हुआ. ये तो कश्मीर की बात है. व्हाट डिड इंडिया डू फॉर इट्स रेलवेज? रेलवेज के लिए भी बहुत कुछ किया गया है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा मेट्रोज का लाइन खुला है एंड रेलवे का ट्रैक से दैट हैज रीच 19,000 किलोमीटर. एंड इंडिया में ऐसा कोई सिटी नहीं है या फिर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ही रेलवे हम लोगों को नहीं मिलता. इवन बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे भी वी गेट रेलवे स्टेशन एंड रेलवे नेटवर्क जो है दैट इज वन थिंग दैट हैव कनेक्टेड इंडिया थ्रू यू नो जो गरीब लोग है, जो मिडिल क्लास लोग है, एनीबडी वांट्स टू ट्रैवल, रेलवे इज वन थिंग दे गेट ऑल द टाइम. सो इसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि न्यू जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन के लिए जैसे कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेंस रहता है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है. तो न्यू जनरेशन लोग के लिए यू नो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है? मोदी गवर्नमेंट ने इनको भी नहीं छोड़ा. 2014 से लेके 2023 तक अबाउट 1,22,000 न्यू स्टार्टअप्स लॉन्च किया गया. जो बीच में मूवमेंट चला था ना अपने स्टार्टअप बनाओ और अपना बिजनेस खुद बनाओ, उसमें बहुत सारे न्यू जनरेशन ऐसे हैं जिन्होंने खुद का अपना स्टार्टअप बनाया. और बहुत सारे स्टार्टअप्स तो ऐसे भी हैं जो कि मिलियन डॉलर स्टार्टअप बन गया, जैसे कि ओयो, जोमैटो, स्विगी. ये सारे न्यू जनरेशन ने क्रिएट किया और ये अभी मिलियन डॉलर कंपनी बन गई है. जिसमें से जोमैटो ने तो ऑलरेडी अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दिया. नायका, ये सारे इंडियन पीपल ने बनाए अपने स्टार्टअप्स और इसकी वजह से इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इको सिस्टम लीविंग बिहाइंड यूएसए एंड कैनेडा इन मेकिंग न्यू स्टार्टअप्स. तो स्टार्टअप्स बना के तो इंडिया के यूथ में अब जॉब बिजनेस एक ही जगह पे यू नो सबको जॉब देते हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई स्टार्टअप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट इंडिया गॉट की जहाँ पे जॉब मिलने का जो चांसेस है विच हैज इंक्रीज देन बिफोर.
सो इसके साथ साथ हम लोगों के पास और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडिया को मिला है, बट आई डोंट थिंक सो कि यू नो वो अगर हम लोग बोलते रहेंगे देन द वीडियो विल नॉट एंड। बट देन ऑल्सो एक छोटा सा अगर यू नो समराइज क्वेश्चन दे दे वो हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सब पहली बार G20 ऑर्गेनाइज किया गया एंड इंडिया हैज एंटर्ड द यू नो ग्लोबल पावर विच इज लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। उसके साथ साथ 5 जो रिलीजियस प्लेसेस है उसको रिस्टोर किया गया, जैसे कि राम मंदिर हो गया, जैसे कि केदारनाथ हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, उज्जैन महाकाल हो गया, इन सब जगह को यू नो रिस्टोर किया गया। इंडियन एयरफोर्स जो है वो पहली बार AOC क्रॉस किया यू नो आफ्टर 1971। उसके बाद इंडिया ने सबसे ज्यादा या सबसे फास्ट यू नो वैक्सीनेशन ड्राइव भी किया कोविड के टाइम में, एंड इंडिया हेल्प यू नो ऑल द कंट्रीज टू यू नो गेट द वैक्सीन जल्दी प्रोड्यूस करके उन लोगों को सेल किया गया। With that, India is one of the leading countries in UPI, जो कि हम लोगों को बाहर के देशों में भी नहीं मिलेगा, एंड हम लोग देख सकते थे इवन आउटसाइड वी आर स्ट्रगलिंग विद इट, बट इंडिया हैज डिजिटलाइज्ड इट्स पेमेंट वेरी सक्सेसफुली। एंड टूरिज्म का जो सेक्शन है इंडिया में वो भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से फ्लोरिश किया है। सो इन 10 सालों में वी कैन सी दैट इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है, एंड जो थोड़ा बहुत चीज है जैसे कि लोग बोलते रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग, बिकॉज इफ यू हैव द स्किल सेट राइट देन यू विल गेट एम्प्लॉयड, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, यू कैन इवन गेट चांसेस इन अब्रॉड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन सुन के अच्छा लगा हो कि इंडिया 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एंड आगे भी हम लोगों का ये जर्नी बढ़ता रहेगा, एंड वी विल बी इन द यू नो नंबर 1 पोजिशन समडे। विद द होप ऑफ दैट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।